नमस्कार साथियों साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें बीच में मैंने आप लोगों को बहुत बार अवगत कराया है कि कुछ लोग हमारे बायोडाटा लेकर के उसका मिसयूज कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते हो, आप उसके पीछे मत भागो। आपको अगर कोई भी ग्रुप में लिंक डाल दिया जाता है, आप उसको क्लिक मत करो। इसमें बायोडाटा चोरी करके और उसके बाद में लोगों को फाइनेंशियल लॉस दोबारा हुआ है। आप किसी भी तरह के लिंक को क्लिक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति डालने वाला कौन है। अगर वो मीटिंग का है तो आप मीटिंग का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इश्यूज नहीं है। बट आपके बायोडाटा लिंक में फिलअप करके आप दे रहे हो, यानी आप अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को दूसरे के हाथों में दे रहे हो। ये जब कंपनी का इश्यू हुआ, नेक्सा एवरग्रीन के इश्यू में, आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हिसाब हो जाए और एक सही तरीके से ये हिसाब किया जा सके। इसलिए लोगों ने एक ग्रुप बना के कमेटी बनाई और लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज हम इस कंडीशन में हैं कि 90% लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके से हिसाब हो जाए और हम उसके बहुत नज़दीक हैं। आप लोगों की शिकायत है कि मैं सूचना नहीं देता, वीडियो नहीं डालता। वीडियो भी डालता हूँ, सूचना भी देता हूँ, उसका मिसयूज करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब उन्होंने एक लिंक क्रिएट किया है जिसमें आपका बायोडाटा मांगा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, किसी भी लिंक पे क्लिक करके ऑथराइज लिंक को अपना बायोडाटा दे सकते हो। किसी को अपना बायोडाटा ना दें, क्योंकि वो लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपका पेमेंट दिलाने के लिए वो बायोडाटा ले रहे हैं। आज तक तो पैसे आया नहीं, जब इतने इतने दिन हो गए, इतने लोग इतने साथ खड़े हो गए, उसके बावजूद वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, फिर आपका बायोडाटा मांग रहे हैं। तो मेहरबानी करके किसी को अपना बायोडाटा ना दें, जो आपका परिचित है, जो आपका नोन है और जो आपसे आपके हित के लिए सोचता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले ये तय कर ले उन लोगों की मंशा क्या है। जो लोग एक दूसरे को इज्जत तक नहीं दे सकते, एक दूसरे के परिवार को इज्जत नहीं दे सकते, वो लोग भला क्या चाहेंगे। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और 17 तारीख को हमारी 17-18 को सुनवाई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतने दिन स्ट्रगल किया है और जो समय लग रहा है थोड़ा बहुत, उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सबको पता है कि कोर्ट में कितना समय लगता है, कोर्ट का प्रोसेस कितना लंबा है। एक तरफ तो हमारे पास ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम डिले हुए हैं, और ये दोबारा डिले करने की, जून जुलाई में हिसाब चालू हो जाना था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अभी तक हम लेट हुए। और अब ये नया तरीका अपना रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें।